आज हम चैप्टर 15 शुरू कर रहे हैं। 15.1 से हम स्टार्ट करेंगे। 15.1 में जो हमारा टॉपिक है वो है डबल एंड आइटरेटेड इंटीग्रल्स, और फिर हम एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको डेफिनेट इंटीग्रल वन वेरिएबल सीखना होगा डबल और आइट्रेटेड इंटीग्रल्स को सीखने के लिए। तो पहले हम रिव्यू कर लेते हैं। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते हैं, तो इसको हम रिव्यू कर लेंगे। सबसे पहले आप एक फिगर देख रहे हैं कि हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, और आपको याद होगा कि हमारे पास ए और बी इंटरवल है, ए और बी एक इंटरवल है। इस इंटरवल से हमने रेक्टेंगल्स बनाए थे, ये तमाम, ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, ये सेकंड रेक्टेंगल है, ये थर्ड रेक्टेंगल है, सो ऑन, इस तरह के हमने रेक्टेंगल बनाए थे। और फिर आपने ये देखा था कि जो ए और बी के आपने सब इंटरवल्स बनाए हैं, जिसमें पहला है डेल एक्स और इसकी हाइट है एफ ऑफ एक्स, तो डेल एक्स मल्टीप्लाइड विद एफ ऑफ एक्स, डेल एक्स, और जब आप एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डेल एक्स मल्टीप्लाइड विद एफ ऑफ एक्स, ये हमें एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल दे रहा होगा। इसी तरह जब आप दूसरी रेक्टेंगल की बात करते हैं, ये रेक्टेंगल नंबर वन है, ये रेक्टेंगल नंबर टू है, यहाँ से हमारे पास एक डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स सेम है, तो हम इसके लिए कोई इंडेक्स यूज नहीं कर रहे, और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास ये हाइट है एफ ऑफ एक्स, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर टू है। तमाम रेक्टेंगल्स अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है कुछ हम एक्स्ट्रा एरिया, एडिशनल एरिया यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका हल ये होता है कि आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बढ़ा दें। ये मैंने जो फर्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल्स हमने बनाए हैं, इसमें लेफ्ट हैंड पॉइंट को आप कंसीडर कर रहे हैं। आपको याद है सिंगल वेरिएबल में आप लेफ्ट हैंड पॉइंट को भी लेते हैं, राइट हैंड पॉइंट को भी लेते हैं, और मिड पॉइंट को भी लेते हैं, ये कोई रैंडम पॉइंट आप ले सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास ये फंक्शन बना हुआ है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई रैंडम फंक्शन है, इस केस में हमने रेक्टेंगल्स दोबारा बनाए हैं ए टू बी, और इस यहाँ हम मैंने ये नहीं शो किया कि आपके पास इस जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट चार रेक्टेंगल्स हैं इस केस में, उसी को दोबारा नहीं शो किया, सिर्फ यहाँ पर विड्थ आपको कम लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर हम राइट हैंड पॉइंट यूज कर रहे हैं, इस केस में हम लेफ्ट हैंड पॉइंट यूज कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड पॉइंट यूज कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए, यहाँ राइट हैंड पॉइंट यूज करें, यानी कि जो भी इंटरवल है इसका राइट हैंड पॉइंट आप ले रहे हैं और वहां से आप रेक्टेंगल बना रहे हैं। रेक्टेंगल है ये, दूसरी रेक्टेंगल है, तीसरी रेक्टेंगल, सो ऑन, आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, और ये हमने बनाई है विद राइट हैंड पॉइंट। और जितनी रेक्टेंगल्स आप एड कर देंगे तो आपको एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा, ये सारा जो है एरिया मिल जाएगा जब आप ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर आप इन्फिनिट ले लेंगे, बहुत ज्यादा रेक्टेंगल आप ले लेंगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा, इसको हम कहेंगे एरिया अंडर द कर्व। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन ये है कि जब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, एन यहाँ पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमारे पास हैं,
नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर हमारे पास इन्फिनिट हो जाएंगी वो तब बढ़ सकती हैं जब नंबर ऑफ पॉइंट्स आप ज़्यादा ले रहे होंगे। तो समेशन है एफ ऑफ एक्स आई डेल्टा एक्स, जब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है तो ये इक्वल हो जाता है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और जिसका मतलब होता है कि एरिया अंडर दी कर्व। ओके, तो ये हमारे पास सिंगल वेरिएबल में डेफिनेट इंटीग्रल होगा जिसको हम कहते हैं कि एरिया अंडर दी कर्व। अब हम चलें मल्टीपल इंटीग्रल्स में। मल्टीपल इंटीग्रल्स में आप देख रहे हैं कि हमारे पास सरफेस होगी, हमारे पास एक सरफेस होगी, ये हमारे पास सरफेस है, ये हमारे पास एक सरफेस है, और इस सरफेस को हम देखना चाह रहे हैं, इस सरफेस को हम मल्टीपल इंटीग्रल से देखना चाह रहे हैं और इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि जब x इज इक्वल टू ए है और x इज इक्वल टू बी है और फिर इसी तरह y इज इक्वल टू सी है और y इज इक्वल टू डी है, इन तमाम से हमारे पास एक यहाँ पर, अगर मैं इसको किसी और कलर में ड्रॉ कर लूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ये जो हमने हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पर, ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये इसकी डोमेन होगी। और इस रेक्टेंगल को जैसे हमने इंटरवल्स को ब्रेक किया था, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने एक इंटरवल ए टू बी था, यहाँ से हमने इसको ब्रेक किया, हमने इसके और सब इंटरवल बनाए, यहाँ पर हमने और सब इंटरवल बनाए, और फिर लिमिट लेके हमें एरिया मिल रहा है। यहाँ हमने क्या किया कि हमारे पास इस तरह का एक रीजन बन रहा है, इस रीजन के को हमने सब रीजन बनाए, इसके सब रीजन हमने बनाए, तो ये जो है हमारे पास सब रीजन हमने बनाए, सब रीजन, सब रीजन, ये सब रीजन नंबर वन है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें, ये फॉर एग्जांपल ये सब रीजन हमारे पास इस तरह से बन रहे हैं। अब कोई एक सब रीजन ले लें, फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर राइट साइड में, हमारे पास एक सब रीजन हमने ये ले लिया है, ये एक सब रीजन हमने लिया। अब इस सब रीजन का जो हमारे पास विड्थ है, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ या विड्थ होगी, तो हमारे पास डेल्टा एक्स एक लेंथ है, डेल्टा वाई एक लेंथ है, और जब इसकी हाइट से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, हमें एक सब रीजन का, एक सब रीजन का वॉल्यूम मिल रहा होगा, यानी एक सब रीजन हमें यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है, इसी तरह के हम और जितने भी यहाँ पर सब रीजन है, हर सब रीजन का एक हम वॉल्यूम बना रहे होंगे, और इसको जब आप सम करेंगे तो आपके सामने है लिमिट एम एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जिसका मतलब है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन एक्स डायरेक्शन, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन वाई डायरेक्शन, और जब आप इसका समेशन लेंगे i1 to m एंड j इज 1 टू n, फंक्शन किसी पर्टिकुलर, आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर एक्स आई जे है, एक्स आई जे, जिसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास कोई सब रीजन बने हुए हैं तो हम किस रीजन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज 1 1, ये होगा फॉर एग्जांपल 1 2, तो इसलिए हमने ये इंडेक्स इसको दिया है। ठीक है, तो आई जे हमारे पास एक्स एक्सिस के लिए है और वाई आई जे y एक्सिस के लिए है, लेकिन आई जे पर्टिकुलर रीजन की हम बात कर रहे हैं, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा y, जैसे कि मैंने आपके सामने ये रखा कि ये डेल्टा y है, ये डेल्टा x है, और इसको किसी हाइट से मल्टीप्लाई करें तो ये वॉल्यूम मिल रहा है, और ये एक सब रीजन का वॉल्यूम है। इसी तरह जब आप तमाम सब रीजन पे इस तरह के वॉल्यूम बनाएंगे तो, और समेशन अप्लाई करेंगे, समेशन का मतलब होता है कि सम करना, समेशन मींस सम करना, जब हम इसको सम कर रहे होंगे तो हमें जो है यहाँ पर, हमें यहाँ पर वॉल्यूम अंडर द सरफेस मिल रहा होगा। इसका क्या मतलब हो गया,
इसका मतलब ये है कि हमारे पास वॉल्यूम अंडर द सरफेस है, वॉल्यूम अंडर द सरफेस की हम बात कर रहे हैं। मैं एक दफा दोबारा आपको बता दूं, जब सिंगल वेरिएबल है डेफिनेट इंटीग्रल एरिया अंडर द कर्व होगा, जब मल्टीपल इंटीग्रल्स में जब आप दो वेरिएबल की बात करते हैं, फिर बाद में आप देखेंगे कि हम तीन वेरिएबल की भी बात करेंगे, लेकिन दो वेरिएबल्स के लिए दो इंटीग्रल्स हमारे पास होंगे और इसका मतलब होगा वॉल्यूम अंडर द सरफेस, यानी कि आप ये तमाम वॉल्यूम जो है ये तमाम वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं बाय यूजिंग डबल इंटीग्रल्स। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया है। इसका हमने प्रूफ एज सच नहीं किया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम समेशन के ज़रिए तमाम वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं और फिर इससे आप इंटेग्रल्स बना रहे हैं। ठीक, अब हम एग्जांपल की तरफ, तो हमें ये याद रखना है कि वॉल्यूम अंडर द सरफेस। अब हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है, evaluate the double integral r, r यहाँ पर region के लिए show किया गया है, integral हमें double integral given है, function हमें given है और r का r के हवाले से हमें बताया गया है कि x की value 0 से 2 है और y की value 1 से 2 है। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जब डबल इंटीग्रल होगा तो यहाँ पर हम आर लिखा करेंगे, इस आर का मतलब होगा कि रीजन। सिंगल इंटीग्रल में यहाँ पर हम जो लोअर और अपर लिमिट लिख रहे होते हैं वो इंटरवल हुआ करते हैं, सिंगल इंटीग्रल में हमारे पास इंटरवल हुआ करते हैं। आप अगर यहाँ देखें, सिंगल में हमारे पास ये इंटरवल है, सब इंटरवल्स हम बना रहे होते हैं, इंटरवल का सब इंटरवल बना रहे होते हैं। डबल इंटीग्रल में हमारे पास इंटरवल नहीं हुआ करते, हमारे पास रीजन होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रीजन था, ये रीजन है, इसके आपने सब रीजन्स बनाए हैं, ये इसको हम सब रीजन कहेंगे। तो रीजन जो है वो हमारे पास हम यहाँ पर आर से उसे डिनोट कर रहे होंगे, तो आर यहाँ पर रिंग वगैरह नहीं है जैसे रिंग्स एंड फील्ड में आप पढ़ते हैं, ये आर यहाँ पर रीजन है। और रीजन जो है वो हमें बताया गया है कि x की वैल्यू 0 से 2 है और y की वैल्यू 1 से 2 है, तो इसका हम सलूशन निकालेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि आप f of x y फार्मूला लिखिए, dy dx, y की लिमिट यहाँ पर आएगी, y की लिमिट आपके पास यहाँ पर आएगी, y के लिए आप लिखेंगे 0 से 2, यहाँ पर है 0 से 2, I'm sorry, y 1 से 2 है, y 1 से 2 है और x है हमारे पास 0 से 2। अब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, पहले आप f of x y dy को सॉल्व करेंगे, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, is equal to 0 से 2, 1 से 2 और f of x y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, x माइनस 3y स्क्वायर dy dx। आपको पहले ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है जिसे हम कहते हैं इनर इंटीग्रल, ये कहलाता है इनर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे 0 टू 2, 1 से 2 हम इसे जब सॉल्व करेंगे, आपने ये याद रखना है कि जब विद रिस्पेक्ट टू y आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट हम कर रहे होंगे, तो 0 टू 2 x y माइनस 3y क्यूब बाय 3 और फिर आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखेंगे dx। इस कंप्लीट पे हमने लोअर और अपर लिमिट अप्लाई करनी है, 0 टू 2 इस पे आप लिमिट अप्लाई कर दें तो हमें आंसर मिल रहा होगा, आपने याद रखना है कि y में लिमिट पुट करनी है, x माइनस 7 dx, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे
जीरो टू, सॉरी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस सेवन एक्स, और इसकी आप लिमिट अप्लाई करते हैं कि जीरो से टू लिमिट ले लेंगे, और यहाँ से हमें आंसर मिल रहा होगा माइनस ट्वेल्व। तो हमारे पास एरिया अंडर द सरफेस माइनस ट्वेल्व है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो वॉल्यूम आ रहा है वो नेगेटिव है, तो ये जो सरफेस होगी ये एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन से नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से हमारे पास माइनस ट्वेल्व आंसर आ रहा है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे सिंगल वेरिएबल में होता है कि जब आप प्लॉट करते हैं तो एक एरिया ज़्यादा होता है एक एरिया कम होता है, तो हम इसे कहते हैं कि नेट एरिया, ये हमारे पास नेट एरिया बन जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कंप्लीट कर्व अगर एक्स एक्सिस से नीचे है तो ये एरिया हमारे पास होगा, लेकिन वो नेगेटिव को हम पॉजिटिव कर दिया करते हैं। तो ये हमने आंसर निकाल लिया डबल इंटीग्रल का माइनस ट्वेल्व। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? आप बजाय ये कि y पहले लिखें, जैसे कि यहाँ पर y पहले लिखा हुआ है और फिर आपने x को सॉल्व किया है, हम ऐसा करें कि f ऑफ एक्स वाई x पहले लिखें और y बाद में। x अगर आप लिखेंगे तो x का आंसर x की जो लिमिट होगी x की हमारे पास लिमिट है 0 से 2 और y की लिमिट है 1 से 2। इसमें जब आप ये लिमिट पुट करेंगे 1 से 2 लिमिट आप पहले लिखेंगे, पहले फंक्शन आप लिख लीजिए x माइनस 3y स्क्वायर dx dy, इसका आंसर भी जब आप हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें माइनस 12 मिल रहा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये कब आप इसको देखते हैं कि ये इक्वल होंगे? हम लिमिट स्विच कर सकते हैं a to b c to d f of x y dy dx, इसको हम लिख सकते हैं a to b f of x y dx dy हम लिख सकते हैं। ये तब लिख सकते हैं जब हमारे पास लिमिट्स कांस्टेंट होंगे, ये जो लिमिट्स हैं ये कांस्टेंट होंगे c to d, ये सब लिमिट कांस्टेंट होने से आप इसको स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर लिमिट हमारे पास वेरिएबल होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर a ज़ीरो हो और b की जगह पे हम x स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, या हम यहाँ पर कोई भी लिमिट 1 to 2 कोई और लिमिट हम देख लें f of x y dy dx, तो फिर इसको हम स्विच नहीं करेंगे 0 to x square 1 to 2 f of x y dx dy, यानी कि x इस केस में y पहले लिखा हुआ है, इस केस में आपने y पहले लिखा है फिर हमने x को सॉल्व किया है, दूसरे केस में हमने x को पहले लिखा है और फिर y को लिखा है और लिमिट को चेंज करें तो आंसर सेम नहीं आएगा। इसकी रीज़न हम फ्यूचर में देख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो स्विच करने का है ये कोई रीज़न है हमारे पास, इसको हम किस रीज़न के ज़रिए ऐसा लिखते हैं? बेसिकली एक थ्योरम है हमारे पास, फुबिनीस थ्योरम इसको हम कहते हैं, फुबिनीस थ्योरम, वो हमें कहता है कि अगर हमारे पास रिक्टेंगल रीजन होगा, फुबिनीस थ्योरम, अगर हमारे पास रिक्टेंगल रीजन है जैसा कि इस केस में है, रिक्टेंगल तभी बनेगी जब कांस्टेंट लिमिट्स हुआ करेंगे, ठीक, ये रिक्टेंगल अगर है तो रिक्टेंगल के केस में हम इसको स्विच कर सकते हैं, इनका ऑर्डर स्विच कर सकते हैं। इन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल भी कहते हैं, यहाँ पर आपकी आसानी के लिए लिख दूं, इन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल भी कह रहे होते हैं, डी वाई डी एक्स डबल इंटीग्रल्स।
या हम इनको आइट्रेटेड इंटीग्रल्स भी कहते हैं, आइट्रेटेड इंटीग्रल्स। आइट्रेटेड डबल इंटीग्रल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ दो इंटीग्रल्स हैं। आइट्रेटेड इंटीग्रल क्यों कहते हैं, क्योंकि आप पहले आइट्रेटिवली फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, आप इस फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर जब हमें मिल जाता है फिर हम आउटर इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, तो आइट्रेटिवली आप इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, इसलिए हम इसे आइट्रेटेड इंटीग्रल्स भी कहते हैं। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेंगे ताकि ये आइडिया हमें क्लियर हो जाए कि आप स्विचिंग करें तो आंसर मुख्तलिफ तो नहीं आएगा। एक एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल इवेलुएट द इंटीग्रल, हमें कहना चाहिए आइट्रेटेड इंटीग्रल नंबर 1, 0 to 3, 1 to 2, x स्क्वायर y dy dx, नंबर 2, 1 to 2, 0 to 3, x स्क्वायर y dy dx। आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो इंटीग्रल है लेकिन ये सेम डबल इंटीग्रल है, लिमिट सिर्फ हमने चेंज किया, फंक्शन एक जैसा है, सिर्फ हमने लिमिट को रिवर्स किया है। तो पहले केस में हम फर्स्ट केस को सॉल्व कर लेते हैं, हम हमारे पास है नंबर 1, 0 to 3, 1 to 2, x स्क्वायर y dy dx, तो आप इसे पहले सॉल्व करेंगे y को जब सॉल्व करेंगे तो x को आपने कांस्टेंट रखना होगा, तो यहां से हमें मिल रहा होगा x स्क्वायर y स्क्वायर ओवर 2, 1 टू 2 लिमिट, और dx हमारे पास आ जाएगा। फिर इसमें आप जब लिमिट पुट कर लेंगे और आप इसे फिर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 0 to 3, 1 by 2, 0 to 3, इसमें आप अपर लिमिट पुट कर लें और लोअर लिमिट आप पुट कर लें, हम पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं x square by 2, y में हमने लिमिट पुट करनी है 4 by 2 minus 1 by 2, और dx हमें मिल रहा होगा। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो हमें आंसर मिल रहा है 27 by 2, तो ये हमारे पास डबल इंटीग्रल का आंसर है। इसी तरह जब आप सेकेंड पार्ट को देखेंगे, यही क्वेश्चन है लेकिन इसकी लिमिट हमने रिवर्स कर ली है, 0 to 3, 1 to 2, x स्क्वायर y dy dx। यहाँ एक चीज मैं यहाँ लिख लूँ कि हमारे पास y की लिमिट 1 से 2 है और x की लिमिट, यहाँ मैं x पहले लिखना चाहिए, dx dy, क्योंकि ये हमने क्या किया है कि इनको रिवर्स किया है, डी एक्स और डी वाई यहाँ पर आएगा, तो यहाँ मुझे डी एक्स और डी वाई लिखना होगा, और एक्स की लिमिट हमारे पास सेकंड केस में 0 to 3 है और वाई की लिमिट 1 से 2 है, हमने इसको स्विच कर दिया, ठीक, 0 to 3, 1 to 2, एक्स स्क्वायर जी, अभी ये बिल्कुल ठीक हो गया। आप इसको दोबारा से सॉल्व, इसमें पहले आपने जो इनर इंटीग्रल है इसको सॉल्व करना होगा, 1 से 2, एक्स को आपने सॉल्व करना है, वाई को कांस्टेंट रखना है, वाई बाहर आ जाएगा x³ by 3, 0 to 3 डी वाई, और इसको आप खुद ही से सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें आंसर मिल जाएगा 7 by 2।
तो लिमिट रिवर्स करने से, वेरिएबल रिवर्स करने से हमारे पास सेम आंसर आएगा। आप इसको याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।